बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो लोगों से अपने प्लान डिस्कस करते रहते हैं। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए अपने आप को सूरज की तरह बनाओ, जो रात भर खामोशी से निकलने की तैयारी करता है और जब निकलता है तो सबकी आंखें खोल देता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो हासिल करना चाहते हैं जो आज तक आपने हासिल नहीं किया, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। इस बात को लिखकर अपने रूम में कहीं लगा लें और इसे रोज़ पढ़ा करें। हर काम का एक आउटपुट या एक नतीजा होता है। अगर आप एक काम को एक ही तरीके से करते रहेंगे तो आप इसे जितनी बार मर्जी कर लें, आपको वही नतीजा मिलेगा जो मिल रहा है। रिज़ल्ट को बदलना है तो तरीका बदलना होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, कुछ मुख्तलिफ करो, कुछ कुर्बानियाँ दो। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमेशा याद रखना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं बदलेंगे तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो बताता चलूँ आपको क्या बदलना चाहिए। अपने इल्म को अपनी ताकत बनाएं। आपने बचपन से ही सुना होगा कि इल्म एक ताकत है जिसकी बुनियाद पर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इल्म इस वक्त तक ताकत नहीं बनता जब तक आप इसको अमल में नहीं लाते, इसे अप्लाई नहीं करते। बहुत से लोग किताबें पढ़ते रहते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इल्म हासिल करते रहते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती। वो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो इस इल्म को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप इल्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो सिर्फ़ इंफॉर्मेशन की शक्ल में आपके पास रह जाएगा, वो ताकत नहीं बनेगा। हमेशा याद रखना कि इंसान नसीहत से नहीं, तजुर्बे से सीखता है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जो सीखा है इस पर अमल करने की कोशिश करें।